हजार दो, फिर चाहे कितनी भी बिजली खर्च करो, मीटर ऐसा कर देंगे कि बिल ही नहीं आएगा। बिजली विभाग के कर्मचारी ऐसी ही स्कीम लेकर एक घर में पहुंच गए, पर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि कर्मचारी जिसके घर ये फार्मूला लेकर पहुंचे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये बिजली विभाग के एक्शन का घर है। फिर क्या था, लग गई क्लास और हो गया सेट फार्मूला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली मीटर में फर्जीवाड़ा करने की पोल खुल गई। पोल भी ऐसे खुली कि मानो ऊपर वाला ही चाहता हो कि आज सच्चाई सामने ही आ जाए। दरअसल आरोपी बिजली के नए स्मार्ट मीटर में छिड़कानी कर बिजली बिल कम कराने का दावा करते थे। इसको लेकर वह एक घर में पहुंचे और मकान मालिक से कहा कि 5,000 रुपये के बदले वह उनका स्मार्ट मीटर धीमा कर देंगे। हालांकि आरोपी यह नहीं जानते थे कि वह जिस व्यक्ति से यह बात कह रहे हैं वह व्यक्ति खुद ही बिजली विभाग का इंजीनियर है। मामला लखनऊ के इंदिरापुरम इलाके का है। यहां पर फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर दो लोग बिजली विभाग के असली इंजीनियर अरविंद्र सिंह के पास तो पहुंच गए, लेकिन जानते नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है। पहले तो उन्होंने मीटर को धीमा करने की पेशकश की और फिर बदले में 5,000 रुपये मांगे। एक्सिन ने दोनों की मनसा भांप ली और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, साथ ही अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी के साथ जांच में इन आरोपियों के पास से एक प्राइवेट कंपनी IPS का ID कार्ड मिला है, साथ ही कुछ एक्टिव पेमेंट्स भी बरामद हुए हैं जिससे वह बिजली मीटर में छेड़छाड़ किया करते थे। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह का कहना है कि रविवार की शाम को उनके पास एक फोन कॉल आया था। फोन पर शख्स ने अपना नाम प्रशांत गुप्ता बताया और कहा कि उसी ने अरविंद के घर में मीटर लगाया था। फिर उसने कहा कि वह मीटर को स्लो कर देगा जिससे बिजली का भरपूर इस्तेमाल करने पर भी उनका बिल आधा ही आएगा। हालांकि इस मदद के बदले उन्हें 5,000 रुपये देने होंगे। अभियंता को समझ आ गया कि कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसे में उन्होंने भी दोनों आरोपियों को अपने घर बुला लिया। साथ ही इंदिरा नगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता घनश्याम को भी घर बुला लिया। पहला आरोपी प्रशांत गुप्ता और दूसरा आरोपी दीपक मौर्य रविवार शाम ही अरविंद के घर पहुंच गए। उसी समय पर अधिशासी अभियंता घनश्याम की टीम भी पहुंच गई। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी। तलाशी ली गई तो प्रशांत के पास से IPS कंपनी का ID कार्ड मिला है। इसके अलावा मीटर की पॉलीकार्बन सील और मीटर सीलिंग बुक भी बरामद की गई है। इसके अलावा प्रशांत के फोन में मीटर में गड़बड़ी कैसे करें इसके वीडियो भी पाए गए। इसके बाद आरोपी प्रशांत और दीपक पर मीटर से छेड़छाड़ और ID कार्ड का दुरुपयोग के संबंध में गाजीपुर थाने में केस दर्ज किया गया है।